वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव चैनल व्लॉग्स। आज आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर आ चुका हूँ। तो आज हम जाने वाले फेमस वाटरफॉल के पास, तो चलेगा चलते हैं वाटरफॉल के पास। तो चलिए दोस्तों, इसी रास्ते से अपन स्ट्रेट जाने पर अपन को पालकोंडा वाटरफॉल अपन को दिखाई देगा। तो चलिए सामने चलते हैं। देखो गाइस, फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका। तो यही है पालकोंडे का इलाका। तो आप देख सकते हो कि मेरे अतराफ यही सभी पहाड़ी इलाका है। तो आपको यहाँ का बोर्ड भी आपको विजिट करके दिखा दूंगा। तो यही है सामने से जाने का रास्ता, यहाँ से देख लीजिए यहाँ पर। चलिए गाइस अंदर चलते हैं। पर बाइक भी पार कर चुके हैं, तो हम यहाँ से अंदर जाने वाले हैं। तो ये सभी पहाड़ी इलाका है, तो आप देख लीजिए यहाँ से एंट्री है। तो चलिए गाइस यहाँ से ही हम अंदर जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ से बहुत लोग आ रहे हैं क्योंकि ये सभी जंगली इलाका है। तो नीचे देख सकते हो कि अब यहाँ रास्ता भी सीधा नहीं है। तो चलिए ऐसे ही चलते रहेंगे सामने। तो थोड़ा देर सामने जाने के बाद हमको वाटरफॉल से भी आपको नज़र आ जाएगी, तो आपको विजिट करके दिखा दूंगा। तो चलिए चलते हैं सामने। हेलो गाइस, फाइनली हम यहाँ पर आ चुके। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर पालकोंडा जो है, तो यहाँ पर फुल पब्लिक यहाँ पर आने की वजह से यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो चलिए सामने ऊपर चलते हैं। तो आप पीछे देख सकते हैं पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है वहाँ पे पानी। तो चलिए ऊपर चलते हैं, आपको अच्छे से विजिटिंग करवाता चलूँगा। तो चलिए गाइस चलते हैं ऊपर। यहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो हमको देख के जाना पड़ेगा। तो आप नीचे देख सकते हो कि नीचे देखने की वजह से नीचे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोड भी नहीं यहाँ पर नहीं है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो चलिए चलते हैं। तो आप मेरे सामने देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं। तो आप सामने देख सकते हो कि दोनों पहाड़ों के बीच वहाँ पर दो लोग बहुत रिस्क ले रहे हैं। तो वहाँ से फिसल के पड़ने के बाद बहुत डैमेज हो गया था उनको, उसी वजह से विजिटिंग हो रही। तो यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कड़पा के सभी लोग यहाँ पर आते हैं। तो वीकेंड यहाँ पर आकर बहुत इन्जॉय करते हैं यहाँ पर। तो रिसेंटली बारिश होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा है, हम पानी तो पतला पतला से यहाँ पर पानी आ रहा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं। तो हम यहाँ पर आकर आपको अच्छे से विजिटिंग करवाते रहेंगे। तो चलिए और ज़्यादा ऊपर जाने का भी रास्ता है यहाँ पर, तो चलिए ऊपर चलते हैं यहाँ से। तो हम अभी ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि थोड़े लोगों अभी और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वहीं पर ही है। तो थोड़ा भी फिसल के पड़ने के बाद अपन को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। देखती रहेगी, आपको अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो मेरे पीछे से देख सकते हो कि आप यहाँ पे करते कि बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। तो वीकेंडली यहाँ पर आके एंजॉय करते हैं, तो बहुत मस्ती करते हैं यहाँ पर। तो वीकेंड एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और रहेगा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, तो आपको अच्छी सी विजिटिंग करवाता चलूँगा। चलिए गाइस। Thank you.
चलिए हम यहाँ से जाने वाले हैं, तो चलिए रास्ते में आपको एक ऊपर टेम्पल भी नजर आ जाएगी, तो चलिए आपको इंशाल्लाह वो भी आपको विजिटिंग करा देंगे। तो चलिए गाइस यहाँ से निकलने वाले हैं हम अभी। यहाँ पर एक पुरानी टेम्पल भी यहाँ पर मौजूद है, तो चलिए आपको ऊपर चढ़ाकर दिखा देता हूँ। तो चलिए गाइस ऊपर चलते हैं हम। तो दोस्तों हम थोड़ा ऊपर आए हैं, तो ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा दिख रहा है, तो आप सामने भी देख लीजिए, हम अभी इस बड़ा यहाँ पर चढ़कर आए हैं। तो सामने देखने से रास्ता आगे और ज़्यादा लंबा दिख रहा है, तो सामने भी देख लीजिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे यह सुना है कि इन्हीं स्टोन्स में कोई ना कोई डायमंड रहता है, तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत से यूट्यूबर्स और दूसरे लोग भी सर्चिंग कर चुके हैं यहाँ पर डायमंड्स रहते बोल के। तो आप देख सकते हो कि ये पत्थर सेम डायमंड्स की मानद लग रहा है, तो इन्हीं स्टोन्स को डायमंड तो नहीं लग रहा, मगर देखने से इनको मशीन से कट करने और शेप देने की वजह से सेम आपको डायमंड ही नज़र आ जाएगा। हम यहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर तक ऊपर आ चुके हैं, तो आपको यहाँ से देखने से, यहाँ से जंगल में देखने से आपको यहाँ का व्यू कड़वा सिटी का आपको अच्छे से आपको विजिट हो जाएगा। तो मेरे सामने देख सकते हो आप, तो यहाँ का व्यू देखने से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। तो व्यू अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आपको टेम्पल दिखाने के लिए 2 से 3 किलोमीटर ऊपर आ चुका हूँ, तो और ज़्यादा दूर रहने की वजह से, तो अभी यहाँ का मौसम बारिश पड़ने का लग रहा है, तो इसीलिए हम घर चले जा रहे हैं, तो इसी वजह से। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में इसका नया व्लॉग लेकर, तो जब तक बाय गाइस।